IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला भारत की लोक कथाएं। इस श्रृंखला के अंतर्गत आइए सुनते हैं ये कहानी, राजा का बेटा और बुनकर की बेटी। एक राजा थे, उनका एक राजकुमार था। इकलौती संतान होने के कारण उसका लालन पालन बहुत लाड़ प्यार में हुआ था। राजकुमार कर्म का महत्व और कर्म करने की बात तनिक भी नहीं जानता था। उसकी सब सुविधाएं, ऐशाराम और रौबदाब सिर्फ राजकुमार होने के कारण ही थे। उसकी सेवा में आदेशपाल तत्पर रहते, जब जिस चीज की इच्छा व्यक्त करता उसी समय पूरी कर दी जाती। राजकुमार नियमित घोड़े पर सवार हो नगर भ्रमण के लिए निकलता, साथ में अंगरक्षक भी रहते। जिधर मन करता उधर जाता। एक बार राजकुमार घोड़े पर सवार हो एक बुनकर के द्वार से गुजर रहा था। बुनकर कपड़ा बुनने के लिए द्वार पर सूत तान सुखा रहा था। उस समय किसी आवश्यक काम से वो कहीं निकला हुआ था। द्वार पर उसकी लड़की सूत लपेट रही थी। बुनकर की लड़की सयानी थी, सुंदरता में भी कम नहीं थी, उम्र में राजकुमार के बराबर की ही थी। राजकुमार को राजा का पुत्र होने का घमंड था। उसने आओ देखा ना ताओ अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। बुनकर के ताने हुए सूत को तोड़ता हुआ वो आगे निकला। इस पर बुनकर की बेटी ने कहा, पिता के धन का ये घमंड किसी काम का नहीं, अपनी सामर्थ्य हो तो दिखाओ। जवाब में राजकुमार ने घोड़ा रोक दिया। उसे टोकने की हिम्मत किसे हुई। पलटकर उसने लड़की से पूछा, तुमने क्या कहा। लड़की तनिक भी भयभीत नहीं हुई। राजकुमार की ओर देखते हुए उसने कहा, मेरा कहना था कि पिता के धन पर घमंड करना ठीक नहीं होता, अपनी सामर्थ्य हो तो दिखाइए। राजकुमार बोला, मेरी सामर्थ्य क्या है उसे मैं बाद में बताऊंगा, पहले अपनी सामर्थ्य बताओ कि तुमने किस बल पर मुझे टोकने की जुर्रत की है। लड़की निडरता पूर्वक बोली, मैं बुनकर की बेटी हूँ, सिलाई बुनाई कर अपनी परवरिश कर लूंगी। मुझे सुई डोरा और थोड़ा कपड़ा मिल जाए तो मैं अपना काम चला लूंगी, लेकिन यदि राजा मेरे समान आपको भी कुछ देकर छोड़ दें तो आपका काम एक दिन भी नहीं चलेगा। बुनकर की बेटी की ये बात राजकुमार को लग गई। उसने लड़की को ध्यान से देखा, फिर मन ही मन विचार किया, इस लड़की को सबक सिखाना जरूरी है। अब राजमहल लौटते ही वो एक कमरे में रूठकर बैठ गया। उसके रूठने की बात सुनकर राजा रानी सब काम छोड़ वहां पहुंचे।
राजकुमार ने अपनी फरमाइश रखी कि जब तक उस बुनकर की बेटी से उसकी शादी नहीं होती तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। उसकी बात सुन राजा रानी दंग रह गए। उन दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमार को ये क्या हो गया है। राजा रानी ने समझाया कि वे लोग उसकी शादी खूब सुंदर राजकुमारी से करेंगे, लेकिन राजकुमार नहीं माना, जिद पर अड़ा रहा। आखिर राजा के लिए राजकुमार की खुशी सर्वोपरि थी। हार मानकर वो तैयार हो गए, बुनकर की बेटी से उसकी शादी तय कर दी। पूरे नगर में ये खबर फैल गई कि बुनकर की बेटी की सुंदरता पर रीझकर राजकुमार उससे शादी कर रहा है। लेकिन यहाँ तो बात दूसरी थी। शादी के बाद बुनकर की बेटी अब बहू बन राजमहल पहुंच गई। शादी होते ही राजकुमार उसके पास सुई, डोरा और कुछ कपड़ा लेकर पहुंचा। फिर उन चीजों को उसे देते हुए कहा, इन्हें रखो, अब इन्हीं से अपना सब काम चलाना। मैं तुम्हारी सामर्थ्य देखना चाहता हूं। ये कहकर राजकुमार वहां से लौट गया। इसके बाद उसने राजमहल में ऐलान करवा दिया, यदि कोई उसकी पत्नी को रुपए पैसे, उपहार या खाने पीने का कोई सामान देगा तो वो जहर खा लेगा। राजकुमार की धमकी से सब डर गए, लेकिन इस धमकी से बुनकर की बेटी पर कोई असर नहीं हुआ। नहियर में रहती थी तब भी अपने खाने पीने भर कमा लेती थी। जान गई कि अब यहां भी कमा कर ही खाना है। वो राजकुमार की दी हुई चीजें, सुई, धागा और कपड़े लेकर बैठ गई। फिर कपड़े पर सुंदर कढ़ाई कर अपनी दासी को देते हुए कहा, इसे बाजार में बेचकर खाने पीने का सामान लेती आओ। दासी राजकुमार के आदेश से परिचित थी। राजमहल की चीजों पर ही बहू को रोक थी, उसकी अपनी कमाई पर नहीं। दासी ने उसका कढ़ाई किया हुआ कपड़ा ले जाकर बाजार में बेच दिया। अच्छा दाम मिला। फिर खाने पीने का कुछ सामान लेकर आ गई। बुनकर की बेटी ने अपना रास्ता खोज लिया। अब दूसरे दिन के लिए भी उसने कढ़ाई शुरू कर दी। राजा कला प्रेमी थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दे रखा था कि राज्य में कहीं भी सुंदर और विलक्षण चीज दिखाई पड़े तो राज दरबार में उपस्थित करना है। राजा की इस इच्छा के चलते राज दरबार में सुंदर चीजों की भरमार होती जा रही थी। उन विलक्षण चीजों को देख सब गर्व अनुभव करते। सुंदर चीजों के संग्रह के क्रम में एक दिन एक मंत्री सुंदर कढ़ाई किया हुआ कपड़ा ले आया। कढ़ाई की सुंदरता देख राजा अभिभूत हो गए।
कढ़ाई ले आने वाले मंत्री को राजा ने खूब शाबाशी दी, उसे पुरस्कृत किया। राजा ने उस अद्भुत कढ़ाई को अपनी रानी और बेटे बहू को भी दिखाया। रानी वो कढ़ाई देख बहुत प्रसन्न हुई। राजकुमार ने भी उसकी तारीफ की, लेकिन बहू उस कढ़ाई को देखते ही आश्चर्यचकित रह गई। बोली, ये तो मेरी ही कढ़ाई है, राजदरबार में ये कैसे पहुंच गई? बहू की बात सुन राजा रानी अचरज में पड़ गए। उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि बहू सच कह रही है या झूठ। सफाई में बहू ने दासी को बुलाकर सबूत भी पेश कर दिया। उस पर भी राजा रानी को पूरा विश्वास नहीं हुआ कि वो ऐसी सुंदर कढ़ाई कर सकती है। वो राजा रानी का संदेह भांप गई। फिर उसी पल उसने वैसी ही कढ़ाई सबके सामने बनाकर दिखा दी। अब राजा रानी का सारा संदेह दूर हो गया। राजा रानी ने उसे सर आंखों पर बिठा लिया। राजमहल में चारों तरफ ये खबर फैल गई कि राजा की बहू बहुत सुंदर कलाकार है। राजा रानी ऐसी बहू पाने के कारण स्वयं को बड़भागी समझने लगे। अब राजकुमार को अपनी करने पर बहुत पछतावा हुआ। अब उसने और विलंब करना उचित नहीं समझा। पत्नी के पास जा अपनी हार स्वीकार कर ली। कहा, तुमने मेरी बुद्धि खोल दी। अब मैं जान गया कि पिता के धन पर घमंड करना व्यर्थ है, अपनी कमाई ही सब कुछ है। उसके बाद दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहने लगे और अब राजकुमार भी कुछ काम करने लगा। उसे काम करने का महत्व समझ आ चुका था। राजा का बेटा और बुनकर की बेटी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन और अकादमिक परामर्श डॉक्टर कामिनी भटनागर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, तकनीकी नियंत्रण सतीश लाडे, ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो तथा निर्माण ध्वनि संपादन एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।